Subhash Kohli, a dish antenna repairer in Mohad village in Haryana, has filed an affidavit with the district court accusing the police of fabricating a case against 15 Muslim residents of the village. The police had filed a case against the Muslim men for allegedly bursting firecrackers, chanting pro-Pakistan slogans and distributing sweets during and after the India-Pakistan Champions Trophy final on the 18th of June. In the FIR, the police had named Kohli as a complainant. He was hiding since Saturday evening. उसको जब पकड़ा था मिनिमम से 9:15 से 9:30 के करीबन उसको पकड़ लिया था सर, और मैंने सोचा अपन हिंदू समाज के हैं, ये लड़के की बेचारे कुछ गलती नहीं, इसने कपड़े काट रहा था, कपड़े सी रहा था सर उस समय वो, और उसको ये भी बताने कि मैच कौन जीता और कौन हारा, उसे जबरन यादव साहब आए, उसे उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? अनिस मंसूरी। आप बताओ इससे नाम से पूछेगा कि तेरा नाम क्या है? अनिस मंसूरी। उस समय उसे उठाकर लेके चले गए, मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी पर मेरे पिताजी को बैठा, मेरे एक साथ मेरा दोस्त है साहिर मंसूरी, उसे बैठा, मैं पुलिस स्टेशन गया मिनिमम 10:30 या 11:15 के करीबन पुलिस स्टेशन गया। कह रहे हैं कि आपने फोन करके शिकायत किया सर, अगर मैं फोन करता मान के चलो तो मैं फोन कहाँ से करता सर, मोहत से फोन करता हूँ, और पुलिस गांव में कितने बजे आई थी? मिनिमम 8:30 बजे पुलिस गांव के अंदर टच हो गई थी, ओ तो उसके पास कॉल कट होंगे सर। जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ 10:30 बजे मेरे मोबाइल के द्वारा, वो 11:30 बजे खुद पुलिस स्टेशन से 100 नंबर डायल करते हैं एक पुलिस कर्मचारी, और कहते हैं मैं सुबह बात कर रहा हूँ, मेरे कुछ मोहल्ले के अंदर 4-5 झगड़ा चल रहा है, तो कृपया आप गाड़ी के, अब वो बताओ मैं जहाँ से फोन करूंगा तो लोकेशन तो मोहत आना, अगर मैं उससे फोन कर रहा हूं तो गांव में फटाके फूटे, 4-5 फटाके फूटे, कुछ बदमाशों ने फोड़े, वो अपने को पता नहीं किसने फोड़े और क्या फोड़े, मैं ये नहीं कह रहा, पर नारे कौन से लगे थे मैं आपको ये भी कहता हूं। यादव साहब बिमली चौराहे के ऊपर, और उन्होंने मिनिमम 9:45 से 9:15 के बीच में भारत माता की जय और वंदे मातरम यहां नारे खुद यादव साहब ने कहे थे, किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा था, किसी ने आपस में मिलकर मिठाई नहीं खाई थी सर। साफ तौर पर सुभाष कोहली जो इस वक्त अदालत परिसर में आए, उनका साफ कहना है कि वो पुलिस के डर से मारे मारे फिर रहे हैं, और अगर उनको कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, और अभी आप कोर्ट में आके भी उनको परेशान कर रहे हैं सर, और इस अदालत के परिसर में भी इनको धमकी दी जा रही है, इनका साफ तौर पर यही कहना।